जब मैं दोबारा ऊपर आया, मैं देख रहा हूँ कि चूजे ना हमारे तंग हो रहे हैं, और ये सारे ना ये देखें खून वगैरह भी लग रहा है, ये जो उनके पीछे मैंने आपको प्रॉब्लम बताया ना, ये उसी मसले की वजह से सारा कुछ हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है ना, देखो बच्चा कैसे फंसा पड़ा, ये थोड़ा मसला वगैरह बन सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है ना डंडे सारे हटा लें, देखें माशाल्लाह आप कैसे नीचे फिरेंगे, ये ना सारे हटा लेते हैं, वो देखें बच्चे को। इससे ना ऊपर आकर ना इधर भी गिरने का डर होता है बच्चे का, देख ना जैसे ऊपर आई फिर रहे हैं, तो देखे सारे अंडे को ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। वो गाइस जो देखे मैंने अभी अभी ये हटाया है, वैसे ही वो मेरा चूजा जैसे मैं आपको कह रहा था वैसे चूजा नीचे चला गया। पकड़ भाई इसको निकालें, आप कैसे निकालें आप इसको, आप इसको ना निकालना पड़ेगा, ये ना सारा यहाँ फंसा पड़ा है, इसके ना पानी फुल है ना, अब ये निकालना पड़ेगा सारा, इसको ना फटाफट डाटी करते हैं निकालने के लिए, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये हमने डिस्कनेक्ट के साथ कर लिया, अब इसको ना अलहदा इसको बाहर निकालते हैं, चूजे ने किसी और चीज़ में डालने पड़ेंगे हमें ना, अभी चूजे हम किसी और चीज़ में निकाल के ये अंडे सारे ना इसी के अंदर डाल लेते हैं, इसके अंदर मसला अगर ना हो जाए। अगर हमने 2 मिनट के अंदर सिर्फ रखने हैं, हम फटाफट इसके अंदर रख के ना वैसे माशाल्लाह देखें, इधर कुछ बच्चे एक्टिव हो गए, जैसे ये येलो वाले वाले हैं ना, ये एक्टिव हो गए क्योंकि ये रात के निकले हैं ना, वो देखो वो कहते ढीला ढीला है, वो भी कोई मसला, वो भी निकला है। हमने बच्चे बाहर निकाल लिए और ये भी उठा लिया, और वो देखें गाइस अब ना मैं जाकर फटाफट इसको दफना के आता हूँ, उसके बाद आके ना ये जगह वगैरह भी साफ सुफ कर लेते हैं, वैसे हमने खोल तो लिया, इसको भी साफ कर लेते हैं, फिर ये बच्चे भी हमने रखने हैं, ये ना उनको कोई मसला वगैरह हो जाए, सर्दी लग जाए। क्लीन वगैरह कर लिया, और ये देखें दोबारा चढ़ गया इसने, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से ये नीचे है ना, वहाँ से इसने इसमें चला जाना, एक मिनट उठा रख ऊपर, चल जाएंगे गाइस। अभी हमें इसको दोबारा अंदर डाल लें गाइस, आपने मुझे नई वीडियो दोबारा बनाने पड़ लिया, आज के दिन में कम से कम 2-3 वीडियो मैंने बना ली हैं। एक वीडियो जो है हमने अपने सुबह बनाई थी, वो मुझे याद नहीं किस टॉपिक पर बनाई थी, हाँ जी ये बच्चे हमारे निकलते हैं किस टॉपिक पर बनी थी वीडियो, उसके बाद एक हम पिंजरे का सामान वगैरह लेके आए, दूसरा उस टॉपिक पे, अब तीसरा जो टॉपिक है हमारा, क्योंकि अब एक ही दिन में इतने काम हो गए हैं, अभी हमें इनको मैनेज करना पड़ेगा एक ही दिन में ना, अब आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं लेट वीडियो बना दूँ मेरा पीछे काम मुख्ता जाएगा, इसलिए अब नया व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद असलम राद रहे हैं यूट्यूब चैनल शहरी मिनी जो गाइस। माशाल्लाह से मैं अभी अपने सेटअप वगैरह पे फिर रहा था, ये जो हमारी चिक्स है ना ये माशाल्लाह से एक्टिव हो गया है, और एक्टिव होने के बावजूद ना ये यहाँ से यूँ जाते हैं, और यूँ जाकर ना खुदकुशी कर लेते हैं, ये यहाँ से ये रखना मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से गाइस देखें वो छोटा जो बच्चा था ना, वो देख कैसे नीचे आ गया, वो तो वो गया 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 गाइस, ये तो नीचे ही आके मार देंगे छोटे, ये जो अभी बच्चे निकले ना ये रखें, जो 3 बच्चे अभी निकले हैं, जो इसमें से हेल्दी है ना, जैसे ये 2-3 हेल्दी हैं, हम इनको इसमें से निकाल लेते हैं, बाकी अभी इसी में रहेंगे, ये रखना जैसे ये माशाल्लाह फुल एक्टिव हो गया, अब इनको आप निकाल लें, 4-5 हैं इनके अंदर एक्टिव, वो निकाल लेंगे, बाकी ये जो 3 है ना ये हमने निकालेंगे, क्योंकि अभी ये सूखे भी नहीं, अगर हमने ऐसे निकाले तो फौरन एक्सपायर हो जाएंगे, ये सूखे पड़े हैं, हम बाकी चेक करेंगे ब्रूडर बनाने फिर इनको करते हैं, अभी इसके ऊपर जो है ना इसका ढकना दे देते हैं गाइस। माशाल्लाह से मैंने बॉक्स वगैरह साफ कर लिया, और चूजे जो थे सारे जो 6 के 6 हैं वो इस वाले केज में शिफ्ट हो गए हैं, इसको सुबह रेडी करेंगे ना, अब इसके अंदर जो है कीड़े मारने वाली दवाई होती है वो नीचे डाल दी है, उसके बाद अब ये रस्सी खोलते हैं, इसके अंदर है जी चावलों का छिलका, वो भी आपको दिखाता हूँ कैसा होता है, और हम इसको नीचे भी डालते हैं उसके ना, देखेंगे माशाल्लाह रस्सी खोल के अब इसको ना इसका मुँह अंदर करके ये रखें, ये है जी छिलका, देखें ये है बहुत हार्ड हार्ड है ये ना, आपको आवाज़ से ही पता लग रहा होगा, अब इसको ना अंदर डालते हैं लेवल कर लिया, नीचे करके दिखाना देखें कैसे बिल्कुल बराबर बराबर हो गया, अब ये ना इसको ऊपर रद्दी रख देते हैं ऐसे ही, गाय माशाल्लाह आप देखें ये सारा लेवल हो गया, अभी इसका ना अब इसका बदल, अभी गाय इसको करना थोड़ा सा अभी और डाल देते हैं, ताकि जो बिट्ठे वगैरह होंगे ना वो ज़्यादा नीचे ना जाए,
ये चावल में वो हो जाए। उसके बाद हमने ऊपर 100 वाट का बल्ब भी लगा देना है, वो और गर्माहट होगी। उसके बाद ऊपर ढकना बंद हो जाएगा, अच्छी भली इसके अंदर हीट हो जाएगी। बाकी टेम्परेचर मीटर भी हमने मंगवाया हुआ है, वो भी आप इसमें देख लेना, उसके अंदर हम टेम्परेचर वगैरह देखते रह करेंगे। देख रहे हैं बच्चे कई जगह देते देखें कैसे जा रहे हैं, ऐसे चले जाते हैं नीचे। अब इसमें से ना ये एक बच्चा एक्टिव है, पहले ही उठाते हैं, ये बच्चा फुल एक्टिव है और ये है। अब इसको अंदर छोड़ते हैं, देखो मास्टर साहब नए घर में चले गए। अब इसको भी जाने देते हैं, जो वो फोड़े वाले ना उनको नहीं रखते, ये भी जाने देते हैं। इसको भी जाने देते हैं। गाइस आप देख रहे होंगे कि मैं इनको ना उल्टा करके देख रहा हूँ, क्योंकि इनका ये मसला ना ये रखें, इसलिए मैंने अभी इनको नहीं छोड़ रहा, ये इसी में फिरते रहे, जब ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे फिर हम इनको इस ब्रूडर में शिफ्ट कर देंगे। गाइस अभी ना मैंने इनको फुल फिट कर दिया अंदर, आपको इधर इस जगह दिखाता हूँ। और देखो 100 वाट का बल्ब भी लग गया, उसके बाद ना अंदर टेम्परेचर मीटर भी डाल दिया मैंने, उसके बाद 100 वाट का बल्ब और चिक्स भी आ गया। गाइस ये सारा कुछ जीरो हो गया और टाइम अभी टाइम भी गाइस गलत कर बैठा हूँ मैं ना, चलो इसका टाइम भी दोबारा सेट कर लेते हैं। मैं इनकी कोली धोआई हूँ, साफ़ सुथरी कराई हूँ, वो देखो गाइस वो अखबार ही खाने लग गए, इतने भूख है। अब इनकी फिर ना फीड बाहर से उठाते हैं, वो इनको डालते हैं। गाइस इनकी फीड ना ये पड़ी हुई है, थोड़ी सी और डाल देते हैं, बस इतनी काफ़ी है। देखें आप कैसे माशा सारे खाने लग गए। उसके बाद इसको ना थोड़ी देर से इनका भी ये हो गया, मैं सोचा था इसके बाद इनको दाना पानी डालेंगे। अब इनका बर्तन है जी ये वाला, इसको भी धोवाते हैं और पानी इनको भी नहीं रखेंगे, पानी इनको काल पिलाएंगे। अभी ना इनकी जो 0 नंबर साइज फीड हमने मंगवाई थी ना ये वाली, अब ये धो के ना इसके अंदर ये वाली फीड डालते हैं हम ना, फिर इसको इसके अंदर रखते हैं। तो ये खाने लग गए। देखें मैं इनका बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा कराया हूँ, अब इसके अंदर ना ये 0 साइज फीड है ना ये इसके अंदर डालना शुरू करते हैं। गाइस ये भी थोड़ा थोड़ा ढीला ही लग रहा है मुझे ना, ये मैं वापसी इनक्यूबेटर के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। दोनों टेम्परेचर मैंने इकट्ठे रख दिए हैं, यहाँ पे सीधा आगे पता लग जाएगा कि दोनों का हिसाब वगैरह चल रहा है।